इंटरनेट पे चैट जीपीटी के नए मॉडल ने तबाही मचा रखी और हर कोई सिर्फ जिबली स्टाइल पोर्ट्रेट बना रहा है, सिर्फ जिबली स्टाइल। लेकिन ये वीडियो देखने वाला आप लिटरली बोलोगे कि लाइक कितनी क्रेजी लेवल पे आप चीजें कर सकते हो सिर्फ चैट जीपीटी यूज करके। और अगर आप बिजनेस ओनर हो, क्रिएटर हो, मार्केटर हो, तो ये चीज आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि लिटरली $20 एक्चुअली इंक्लूडिंग IGST, तो $23 देके अगर आप को इतना पावरफुल टूल मिल रहा है जिसमें आप हर चीज, लिटरली हर चीज क्रिएट कर सकते हो एक ही ऐप में प्रॉम्प्ट लिख के, तो मैं क्या ही बोलूं आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए स्पीड अप करके देखो, लेकिन स्किप मत करो, पूरी वीडियो देखो। लेट्स डू इट। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही टूल्स एंड ट्यूटोरियल्स मैं शेयर करता रहता हूं, क्रिएटिव चीजें मैं शेयर करता हूं, तो तुम्हारी काम की चीज है, सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले सब लोगों का फेवरेट जिबली स्टाइल, इससे शुरू करते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। हर कोई मेरे को पूछ रहा था जिबली कैसे बनाते हैं, तो आज वो बताओ जिबली कैसे बनाते हैं। सो सबसे पहले, सिर्फ जिबली नहीं है, काफ़ी सारी डिफरेंट स्टाइल्स आप बना सकते हो, उससे भी बेहतर डिज्नी पिक्सार स्टाइल। टू बी ऑनेस्ट, मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे ये बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि आप ये सारी चीज़ें जिस पे हम महीनों लगाते थे आप एक मिनट के अंदर बना सकते हो, ठीक है, चलो छोड़ो। तो जिबली स्टाइल, आप इमेज जनरेशन स्टाइल्स, ये देखो, ये दीज आर डिफरेंट 8 स्टाइल्स जिसमें आप जिबली स्टाइल, डिज्नी पिक्सार, कैरिकेचर, कॉमिक बुक, मांगा स्टाइल, रेट्रो कार्टून, सिम्पसन, मूवी पोस्टर, ये सारी डिफरेंट स्टाइल के कैरेक्टर्स आप बना सकते हो, इंक्लूडिंग अगर आपको कुछ और डिफरेंट स्टाइल चाहिए तो आप वो भी रेफरेंस अपलोड करके बना सकते हो। अब इसका प्रॉम्प्ट क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट है, ऑल यू हैव टू डू इज गो टू दिस, अपलोड योर इमेज, फिर यहाँ पे आपको लिखना है जनरेट इमेज इन स्टूडियो जिबली स्टाइल, कीप ऑल डिटेल्स, तो यहाँ पे डिटेल्स डाल के ये सब जनरेट कर देगा कुछ ऐसे। और अब एक चीज़ मैंने नोटिस की, ये मेरी इमेज है और ये मेरे को थोड़ा सा मोटा बना देता है, लाइक ए बिट चबी, और ये मेरी ही नहीं है, मैंने देखा काफ़ी सारे अलग अलग क्रिएटर्स को भी थोड़ा सा ये स्टाइल में वो चबी बना देता है, आई डोंट नो वो शायद कोई और चीज़ हो, तो चबी वैसे क्यूट लगता है, बट अगेन आपको डिपेंड करता है रखना है या नहीं। तो अब इसका प्रॉम्प्ट है, टर्न दिस इमेज इनटू जिबली स्टाइल पोर्ट्रेट कीपिंग द डिटेल्स एंड यूज ए सॉफ्ट कलर पैलेट, और ब्रैकेट में मेक इट बिट स्लिमर, क्योंकि मेरे को स्लिमर चाहिए था, आपको चबी अच्छा लगता है तो रखो, बट बाय डिफॉल्ट वो यूजुअली मैंने नोटिस किया कि वो चबी बनाता है। अब यहाँ पे, यहाँ तक प्रॉम्प्ट आप लिख के कंप्लीट कर सकते हो, टर्न दिस इमेज इनटू जिबली स्टाइल पोर्ट्रेट, यहाँ पे स्टाइल रिप्लेस कर दो, जिबली की जगह डिज्नी पिक्सार स्टाइल डाल दो, कैरिकेचर स्टाइल डाल दो, कॉमिक बुक स्टाइल डाल दो, कोई भी। और ये जो यूज सॉफ्ट कलर पैलेट है, ये मैंने खाली जिबली स्टाइल पोर्ट्रेट में रखा था, आप ये हटा सकते हो, जरूरी नहीं है आपको ये रखना। देन जस्ट कॉपी दिस प्रॉम्प्ट और अपलोड कर दो यहाँ पे। अभी मैं जनरेट नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, वो स्टूडियो बहुत ये हैवी चल रहा है, तो कूल डाउन टाइम लेता है वो, तो आप ये प्रॉम्प्ट डालो और यू कैन जनरेट इमेजेस लाइक दिस अपनी अपलोड इमेज करके। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यू कैन क्रिएट, थोड़ा टूल को और एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग तरीके से। GPT-4 कैन बी योर ग्राफिक इलस्ट्रेटर, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कैनवा पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने भी ये वीडियो जस्ट बनाने से पहले एक्सप्लोर किया था, जाते हैं देखो, चैट जीपीटी से आप अल्ट्रा रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, अल्ट्रा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बना सकते हो, कंसिस्टेंट कैरेक्टर, ठीक है। अब आप, ये मेरा एक प्रॉम्प्ट है, ये मैं कॉपी कर लेता हूं एज इट इज, यहां पे मैंने ये प्रॉम्प्ट डाल दिया, तो इसने मुझे जनरेट करके दिया है ये, आई इल्यूमिनेटिंग ये वाला मैं हटा देता हूं, क्योंकि अब ये जनरेट करेगा, थोड़ा टाइम लेता है 1-2 मिनट जनरेट करने में। अब इसमें एक चीज़ का फायदा यह है कि आप इसमें प्रॉम्प्ट डाल के कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स बना सकते हो, आप अपनी इमेज अपलोड कर सकते हो, अगर आपके पास, अगर आपको खुद का कैरेक्टर यूज़ करना है तो आप अपने 2-3 अलग अलग एंगल से इमेज लो, यहाँ पे अपलोड करो, एक टाइम पे आप 10 इमेज अपलोड कर सकते हो, एंड देन राइट अ प्रॉम्प्ट, जैसे यू कैन चेंज सीन्स, यू कैन चेंज द लोकेशन, द थीम, डिपेंड ऑन आपको क्या कैसी रिक्वायरमेंट है। तो अब मेरे पास ही ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट था, मैंने यहाँ पे डाल दिया, एंड देखो ये जनरेट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है। अब ये जो इसने मुझे जनरेट करके दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा था एना देर मास, तो इसने उसी का कैरेक्टर मुझे जनरेट करके दिया,
सो यूजुअली ट्राई करना कि आप अपना खुद का कैरेक्टर बनाओ, ये तो मैंने रेफरेंस के लिए इसका फेस रेफरेंस के लिए मैंने ये यूज़ किया था एंड तो इसने मुझे ये जनरेट करके दिया। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ कि कोई डिफरेंट स्टाइल में मुझे चाहिए या डिफरेंट लोकेशन पे चाहिए तो ये वो भी जनरेट कर देगा। तो आप एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स इस पे बना सकते हो, आप अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हो, फेशियल एक्सप्रेशंस, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इमेज, तो उसको एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर, जैसे मैंने अपनी इमेजेस रखी है 2-3 इमेजेस मैं यहाँ पे अपनी डालूंगा और ये मुझे पूरा कैरेक्टर बना के देगा। ये देखो ये पूरा इसने कैरेक्टर जनरेट करके, और ये काफ़ी हाई क्वालिटी है, इसको आप अपस्केल भी कर सकते हो बट ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ इसमें एक और है कि यहाँ पे अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखते हो कि आपको एस्पेक्ट रेशियो क्या चाहिए तो ये उस हिसाब से जनरेट करके देगा। अब ये 16:9 मैंने नहीं लिखा था कहीं पे, इसने एक मुझे 4:5 या 1:1 एस्पेक्ट रेशियो पे इसने जनरेट करके दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बुक। आप इस पे इन्फोग्राफिक बना सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे आप इस पे इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। मैंने लिखा क्रिएट ए बुक कवर विद बोल्ड टेक्स्ट, मेक मनी विद AI, कीप द साइज A4। मैंने यहाँ पे साइज मेंशन किया, ये बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट है, आप ChatGPT से ही इसको एनहांस कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, और एनहांस द प्रॉम्प्ट एंड यूज बोल्ड वर्ड्स, मेक इट लुक प्रोफेशनल। बस तो ये ChatGPT खुद ही इसको एनहांस करेगा पहले। एंड अच्छा, उसने डायरेक्टली जनरेट करना शुरू कर दिया है इमेज। पर अगर आपको मैं ये फर्स्ट वाला एग्जांपल दिखाऊं तो ये सिंपल प्रॉम्प्ट है, उसने मेक मनी विद AI एक सिंपल जनरेट करके दिया एंड देन अभी हम वन पे देखेंगे, तो ये एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट उसने जनरेट किया। आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए। अब ये सेकेंड इमेज जनरेट कर रहा है जो मैंने इसको लिखा है एनहांस द प्रॉम्प्ट। अच्छा, जब तक हमारी ये इमेज जनरेट हो रही है मैं आपको पहली वाली दिखाता हूँ जिस पे मैंने लिखा था। अब मैंने इस पे क्या किया है, ए फोटो ऑफ बिल गेट रीडिंग दिस बुक, ये मेरा प्रॉम्प्ट है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, देखो फोटो ऑफ बिल गेट्स रीडिंग दिस बुक, मेरी एग्जैक्टली द सेम बुक उसने बिल गेट्स को थमा दी और ये काफ़ी रियलिस्टिक है। आप अगर इसकी डिटेल्स देखो, बिल गेट्स लिटरली ऐसा, मतलब अगर ये फोटो मैं अपलोड कर दूँ तो लिटरली ये रियली लगेगी, लोग लिटरली कहेंगे कि बिल गेट्स रीडिंग हाउ टू मेक मनी विद AI। और सी मेरी बुक बिल गेट्स पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। देखते हैं हमारी सेकेंड इमेज जनरेट हुई है या नहीं, ऑलमोस्ट हो गई। ये पहले से थोड़ी इम्प्रूव है क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेन और मनी थोड़ा उसने इलस्ट्रेशन बेहतर किया है पहले से। सो यस, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप मूवी पोस्टर भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है सिनेमैटिक मूवी पोस्टर, तब तक हम दूसरे इस पे इसको बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो अपलोड करूँगा मूवी पोस्टर के लिए, कोई ढंग की फ़ोटो जिसमें मेरा चेहरा ढंग से दिखे, ये वाली बेटर है, ये बेटर है फर्स्ट वाली, अपलोड हो गई, तब तक ये क्रिएट हो रहा है एंड हम चलते हैं यहाँ पे। ओ ये बुक कवर बन रहा है, इसको टाइम अभी भी लग रहा है, क्या 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 ये होने दो, ये गेटिंग स्टार्टेड। देखो मैंने यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो नहीं डाला तो उसने ऑटोमेटिकली 4:5 या 1:1 सेलेक्ट कर रखा है, तो ये उसी वे में बनाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज इससे आप एड्स बना सकते हो, फेसबुक एड्स, लिटरली एड। अब मैं ये एक रैंडमली मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था, इस पर मैंने कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं की। क्रिएट एन एड ऑफ सिल्की स्ट्रेट हेयर कंडीशनर ब्रांड, मैंने ऐसी रैंडमली सिल्की स्ट्रेट हेयर कंडीशनर, द एड शुड फीचर साइड बाई साइड कंपेरिजन ऑफ ए गर्ल, द बिफोर इमेज शोज ए गर्ल विद फिजी एंड मेसी ड्राई हेयर एंड आफ्टर शोज ए गर्ल विद स्मूथ shiny and straight hair. Also add the product in the corner, it should be small. Add the following bold text, tame the wild, rule the silk, center at the bottom of the ad. Add an optical effect filter to capture the dramatic effect. So ye yahan pe dal diya, yahan pe main ispe pehle mention karta hu kyunki maine aspect ratio dala nahi tha. Keep the aspect ratio to 4:5 बेटर रहेगा, 4:5। अब मैं एग्जैक्टली ये पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करूँगा और यहाँ पे ChatGPT पे एग्जैक्टली मैं ये पूरा प्रॉम्प्ट डाल दूँगा। अब है जनरेट। इसमें एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप यहाँ पे
अगर आपका कोई मॉडल है या फिर अगर आपका कोई खुद का कैरेक्टर है या फिर आप खुद हो तो आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो एंड ऑब्वियसली वो उसको चेंज कर देगा। अब देखो यहाँ पे टेम्प्रेरी रेट लिमिट आ गई है क्योंकि सर्वर हैवी चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ दिनों से, 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तब तक हमारी वार जोन वाली जो पोस्टर था वो रेडी हो चुका है। ये देखो भाई कमाल का वार जोन, अभी मैंने बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट डाला था इसलिए उसने इसको कुछ एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे मूवी की डेट डाल सकता हूँ कब आ रही है, कास्ट डाल सकता हूँ, मैं थोड़े इफेक्ट्स डाल सकता हूँ लाइक, बट ये क्रेजी है, बहुत क्रेजी, इसने काफ़ी सारी डिटेल्स ऐड की है। देखो मेरे को चोटें लगी हैं लिटरली, ये मेरे फेस को यूज़ करके सिनेमैटिक मूवी पोस्टर ऑफ ए मूवी कॉल्ड वार जोन, आई एम इन द बैटल फील्ड ऑफ वार एन 18th century टाइमलाइन, पीछे लड़ाइयाँ हो रही है और ये हीरो है हमारा। ठीक है, मेरी रिसेंट मूवी ट्रेलर का पोस्टर बन सकता है। नहीं, मैं बहुत कमाल की चीज़ें करने वाला हूँ अभी AI के साथ, आप फॉलो करते रहो, मैं ट्यूटोरियल्स भी सब डालूंगा। भैया 2 मिनट का ब्रेक है, दूसरी चीज़ हम आगे देखते हैं। तब तक यू कैन क्रिएट योर ओन फिगर, एक्शन फिगर मैंने इसमें आपको दिखाया था पहले, जब तक हम वेट कर रहे हैं हम आगे देखते हैं। मैंने और एक चीज़ दिखाई थी, ये आप इलस्ट्रेशन बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड की अपनी ये वाली, अब यहाँ पे डाल क्रिएट एन एक्शन फिगर टॉय ऑफ ए पर्सन इन द इमेज, विजुअलाइज दिस इन रियलिस्टिक वे एंड कीप द डिटेल्स। कीप द डिटेल्स इसलिए बोलना जरूरी है कि कई बार वो डिटेल्स मिस आउट कर देता है, बट तो डालना बेहतर है। एंड दिस इज माई रिजल्ट, उसने मेरे को लिटरली एक इमेज जनरेट करके दे दिया है, ये काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, द डिटेल्स और जो मतलब जो क्ले का टेक्सचर है वो काफ़ी लाइक सॉफ्ट टॉय लग रहा है, तो अच्छे से बना देते हैं। अब नेक्स्ट चीज़, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, आप लिटरली इन्फोग्राफिक्स जो आप कैनवा में बनाते हो वो लिटरली आप ChatGPT के अंदर डायरेक्टली बना सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मुझे लिखना है, देखो क्रिएट ए स्टेप बाय स्टेप रेसिपी इन्फोग्राफिक फॉर चॉकलेट ब्राउनी रेसिपी, ठीक है। यूजली आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट्स कैनवा में मिल जाएगी, आप बना सकते हो, बट यहाँ से मैं पिन ये प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ और ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये प्रॉम्प्ट डाल दिया, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी ऑफ चॉकलेट ब्राउनी क्लीन एंड मिनिमल डिज़ाइन, ठीक है। अब आप बोलोगे ये प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, तो ये प्रॉम्प्ट लिखना बहुत सिंपल है, आपको खाली ChatGPT पे जाना है और यहाँ पे आप ChatGPT पे लिख सकते हो कि क्रिएट मी ए प्रॉम्प्ट फॉर जो भी रेसिपी है, बटर चिकन रेसिपी, ठीक है। अभी आपको स्टेप क्रिएट मी स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट फॉर बटर चिकन रेसिपी, यहाँ पे ये जनरेट कर देगा स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट मी इन्फोग्राफिक प्रॉम्प्ट टू क्रिएट द रेसिपी। अब ये पूरा ये सार ढंग से आपको प्रॉम्प्ट लिख के देगा। नाउ राइट दिस इन write this prompt in image generation mode. ये आपका prompt ready, आप exactly ये पूरा का पूरा prompt copy कर सकते हो। vertical infographic vertical इसने बता दिया खड़े में रहेगा, infographic vibrant and beginner friendly, ये पूरा क्या क्या steps है for ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे ये बन गया आपका prompt, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, यहाँ पे आपको लिखना है क्रिएट इन्फोग्राफिक ऑफ ऑथेंटिक इंडियन बटर रेसिपी, अब ये आपको इन्फोग्राफिक बनाना शुरू कर देगा। आई होप गड़बड़ ना हो, सर्वर टाइम स्टार्ट, यस ये रेसिपी का प्रॉम्प्ट इन्फोग्राफिक्स आपके लिए जनरेट करा है। तब तक मैंने बना के रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने प्रॉम्प्ट डाला था और ये इसने मुझे ब्राउनी रेसिपी पूरी स्टेप बाय स्टेप इन्फोग्राफिक्स बना के दिया और ये विद इन अ मिनट हुआ है, ठीक है, क्रेजी पार्ट। अब जो ये ऐड की बात कर रहे थे, ये देखो मैं आपको ऐड दिखा रहा हूँ, इसमें जो मैंने बनाई जनरेट की थी, दिस इज द ऐड, सी दिस इज द ऐड। बट अब मैंने जैसे आपको बताया था एस्पेक्ट रेशियो बराबर नहीं था इसका, तो मैंने एस्पेक्ट रेशियो 4:5 डाला एंड देन इसने मुझे ये इमेज जनरेट करके दी बिफोर आफ्टर। अब ये इमेज लेके आप डायरेक्टली फेसबुक ऐड रन कर सकते हो विद एन ऐड कॉपी और आपका प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट को और हाईलाइट करना है तो आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है कि एनहांस द प्रोडक्ट, मेक इट स्लाइटली बिगर एंड
मैंने एक और चीज़ डाली थी क्योंकि इसके बाल थोड़े शाइनी कम लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एंड होल इमेज अपीयर्स प्रॉपरली, मेक हर हेयर मोर शाइनी। तो यहाँ पे इसने थोड़े ज़्यादा शाइनी कर दिए। लिटरली मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सब कुछ बहुत ईजी है चैट जीपीटी से। ये देखो, ये मेरे को कुछ स्टाइल में जनरेट हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा ये टाइम लेता है तो कभी कभी इरीटेटिंग लगता है, बट सी यू कैन डू एनीथिंग। सर्वर पे लोड काफ़ी है। लेट्स सी, अगर आपको ऐसे रन टाइम एरर है देन यू कैन डू जनरेट नाउ और क्रिएट व्हेन यू आर रेडी। देखते हैं अब ये रेडी है या नहीं। ये अभी बन ही रहा है यार, थोड़ा सा टाइम लगता है, स्पेशली मैं अगर ऐसे आपको वीडियो में बता रहा हूँ। बट एज यू कैन सी, आप कितनी सारी चीज़ें इससे बना सकते हो। आप लिटरली सिर्फ इमेजेस के अलावा आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो, और आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने ये पोस्टर बना स्टाइल कॉमिक बुक स्टाइल, आप लिटरली पूरी कॉमिक बुक बना सकते हो इससे। ये मूवी पोस्टर था, देन ये मांगा स्टाइल, ये जिबली स्टाइल, ये मेरा रियलिस्टिक था। दिस इज़ द इन्फोग्राफिक्स, आप देख सकते हो पूरी उसने रेसिपी बना दी, और ये मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकता हूँ अगर आपका रेसिपी चैनल है। ये मेरा एक्शन फिगर, आप देख सकते हो, वाह पूरा डिटेल, दैट्स अमेजिंग। मेरे को इसमें थोड़ा मस्कुलर और ज़्यादा बड़ा बना दिया। सारे स्टाइल्स में मेरा फेवरेट स्टाइल यही है, पिक्सार स्टाइल बहुत अच्छा लगता है इस पर। कल ये वाला भी कूल है, ये वाला फोटो मेरा फेवरेट है। सो हमारी बटर चिकन की रेसिपी रेडी। ये रहा इन्फोग्राफिक्स, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से जूम करके दिखाऊंगा। ये हमारी बटर चिकन रेसिपी का इन्फोग्राफिक्स, ये देखो कितनी प्रॉपर तरीके से इसने बनाया है। ये देख के मेरे को एक याद आया कि आप इससे अपना इनविटेशन कार्ड भी बना सकते हो, पार्टी इनवाइट, या फिर शादी का कार्ड भी बना सकते हो। लिटरली चैट जीपीटी से आप हर कुछ भी चीज़ खुद से बना सकते हो, लाइक आपकी स्टाइल में, आपकी पसंद का, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली दिस इज़ अमेजिंग, क्वाइट गुड। इमेजेस भी आ सकती है यहाँ पे, इसने थोड़ी आर्टिस्टिक स्टाइल में रखी है, इसलिए आपको वो देखने का। आप ये चेंज कर सकते हो, अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखोगे कि आई वांट रियलिस्टिक इमेज, तो ये यहाँ पे रियलिस्टिक डालेगा। बट ये एस्थेटिक लग रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है। और हमारा ये चीज़ रेडी नहीं हुई है शायद अभी, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, सर्वर टाइम में भी ज़्यादा लगेगा। तो हमने देखा काफ़ी सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी से सिर्फ प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आप कर सकते हो, और लिटरली आपको कैनवा की भी ज़रूरत नहीं है, ये टूल ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर देगा। और $20 आई थिंक इट्स वर्थ, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें $20 देके कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको कोई और AI टूल ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आप डिपेंडिंग ऑन योर वर्क। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चैट जीपीटी की रियलिस्टिक इमेज लेके उसको एनिमेट कर सकते हो और वीडियोज़ बना सकते हो, लाइक स्टोरी वीडियोज़, स्टोरी एनिमेशन, यूट्यूब स्टोरीज, किड स्टोरीज, और लाइक कैसे आप प्रोडक्ट वीडियोज़ बना सकते हो अपने ब्रांड के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, विदाउट मॉडल, कंसिस्टेंट आप अपना एक मॉडल बना के उसको एनिमेट कर सकते हो, और ये सब वीडियो आप कॉपीराइट फ्री पोस्ट कर सकते हो। हर चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और बाय द वे, मैंने अपना मूवी ट्रेलर भी बनाया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब, टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।